नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मोती डूंगरी और आज हम आपको दिखाने वाले अलवर की कुछ खूबसूरत सी जगह, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे ऊपर आके यहाँ पर है मंदिर सैयद बाबा का और हनुमान जी का, और यहाँ पर कई सारे पार्क भी हैं, आपको दिखाएंगे अभी। और यहाँ से दिखता अलवर का एकदम खूबसूरत नज़ारा, और हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद वहाँ उस पहाड़ के ऊपर, वो दिख रहा है बाला किला, उस जगह पर जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, और आज की अपनी मंजिल है बाला किला। आज अपने साथ हैं राइट से टीसी भाई, बीच में अमित जी, और ये ब्लू टी शर्ट में वन मैन आर्मी मिस्टर श्याम सुंदर। बाला किला जाने के लिए ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, और ठीक सामने इसके बायोडायवर्सिटी पार्क, और यहाँ पर टिकट प्राइस कुछ इस प्रकार हैं, पर्सनल व्हीकल और जिप्सी से जाना चाहते हैं तो वैसे भी। और ये हैं अलवर के कुछ पर्यटन स्थल जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ एंट्री होती है, मोमेंट का टिकट, यहाँ होती है चेकिंग और गाड़ी की। ये सब हैं अपने कॉलेज के दोस्त, और आज हम जा रहे हैं कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। पहले हम यहाँ पर काफ़ी बार आया करते थे, पहले टिकट प्राइस नहीं था, लगभग पिछले 6 साल पहले की बात है। उसके बाद से इसको सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ले लिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर पर्यटन बढ़ गया है और टिकट प्राइस शुरू हुआ है। टू व्हीलर यहाँ पर 2 दिन के लिए अलाउ होता है, मंगलवार और शनिवार, क्योंकि ऊपर जाके एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके लिए यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, तो उसके लिए अलाउ किया है। और 4 व्हीलर से आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। पहले हम यहाँ पैदल ट्रैक करने आते थे, सबके सब काटी माता काटी माता। कुछ इस तरह के खूबसूरत से नज़ारे, चारों तरफ हरियाली। यह है जयपाल, पहला गेट पड़ता है जो नीचे से अपन आते हैं बाला किला के लिए। टोटल 6 गेट हैं, कृष्ण पोल, चांद पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी गेट और जयपाल। सभी का नाम किसी ना किसी के नाम पर रखा गया है। थोड़ा सा नीचे चलकर है करणी माता मंदिर, और यहाँ पर नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है।
और अभी हम पहुंचने वाले हैं बाला किला, और लेफ्ट साइड से जो रास्ता आ रहा है वो है पैदल ट्रैक वाला रास्ता। थोड़ा नीचे जाकर यहाँ पर चक्रधारी हनुमान जी का एक मंदिर है। और आज हम आपको बाला किला नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ है आज बाला किला बंद, क्योंकि अभी वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है इसलिए, लेकिन आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। किले के चारों तरफ से परखोटे से रास्ता है। ये देखो हेमंत कैसे खुफिया रस्तों से घुस रहा है, इसे सारे पता है राज, ये राजा महाराजाओं का चेला है। ये हमारे हेमंत जोरवाल चल रहे हैं आगे आगे, इन्हें पूरे खुफिया रस्तों का मालूम है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों कैसे कैसे खुफिया रस्तों से लेके जा रहे हैं हमें। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे है? वो है मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और अब देखिए हम कहाँ आ गए हैं इतना ऊपर। अभी डेवलप किया है, और यहाँ से दिखता है अलवर शहर का खूबसूरत नजारा। ये देखिए दूर दूर तक घर ही, बहुत शानदार। नीचे दिख रहा है ये मूसी महारानी, मूसी महारानी है वो, महारानी अभी आ गया। नीचे आपको जो रास्ता दिख रहा है वो है ट्रैकिंग का रास्ता, उधर से ट्रैकिंग करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। ऊपर का राजगढ़ का है यार, ये देखो कितना खूबसूरत नजारा, मजा आ गया। नीचे वो दिख रहा है सागर, वहाँ जो पानी भरा है वो है मूसी महारानी की छतरी। और नीचे में आपको जो पानी दिख रहा है वो है प्रताप बंद, और उसके पास में ही है बायोडायवर्सिटी पार्क। हाँ ये देखो दोस्तों, ये स्वर्ग की सीढ़ियां जा रही हैं, जो अच्छा ये हमारी तीन, ये ओए हमारी तीन दिव्य आत्मा स्वर्ग में जा रही हैं। चौथे दिव्य आत्मा को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, ड्राइवर हूँ तुम्हारा। हम आगे की स्थिति बता देंगे कैसी आराम से आना। यार गजब यार, वास्तव में क्या लोकेशन आ रही है यार। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ से सीढ़ियाँ कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसा कि वो हमें सीधा किले के ऊपर तक ले जाएंगी। आ गया, अभी हम आए हैं सामने उस पॉइंट से, उसे बोला जाता है सुसाइड पॉइंट और सनराइज पॉइंट, और वहाँ तक जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर, आप आराम से वहाँ तक जा सकते हैं, और वहाँ से शहर का एकदम खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है।
तो आप देख रहे हैं बाला किला, और ये एकदम अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है, एकदम दुर्गम इलाके में। शानदार नज़ारा है, यहाँ से पूरा अलवर शहर दिखाई देता है। तो इस किले का निर्माण हसन खां मेवाती ने 1500 ईस्वी के समय करवाया था, और इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। और इसके अंदर बाबा एक रात रुके थे आके, और इसकी हिस्ट्री है कि और इसी किले के अंदर अकबर के बेटे सलीम को कैद किया गया था। जा रहा है बाला किला, अब इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए सामने से गेट बंद है। और ये देखो बिना टिकट वाले लोग, और अंदर से देखो इसका नज़ारा। ये क्या है? तो दोस्तों अब चलने का समय आ गया है, अब चलते हैं नीचे। और ये हमारे टीसी भाई, इन्होंने खूब हमें 2 दिन तक बुलेट की सवारी करवाई है, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों ये था आज का अपना सफ़र, और अगर आप अलवर घूमने आ रहे हैं तो बाला किला सबसे पहले ज़रूर घूमें। तो कैसा लगा ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए।